जय माता दी भक्तों, नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। शंख और चंद्र के समान अत्यंत श्वेत वर्णधारी महागौरी माँ दुर्गा का आठवां स्वरूप है। महागौरी भगवान शिवजी की अर्धांगिनी है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायिनी होती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं महागौरी के बारे में। नव दुर्गा का आठवां स्वरूप महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है, इसीलिए ये महागौरी कहलाती हैं। नवरात्र के आठवें दिन पूरे विधि विधान से इनका पूजन किया जाता है। इनकी उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सफेद वस्त्र धारण किए हुए महादेव को आनंद देने वाली देवी महागौरी मंगलदायिनी है। महागौरी आदिशक्ति हैं। इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोद फलदायिनी है। माँ महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में शुभ निशुभ से पराजित होकर गंगा के तट पर जिस देवी की प्रार्थना देवतागणों ने की थी, वो महागौरी ही है। देवी गौरी के अंश से ही कौशिकी का जन्म हुआ, जिसने शुभ निशुभ के प्रकोप से देवताओं को मुक्त कराया। देवी गौरी शिव की पत्नी है। ये शिवा और सांभवी के नाम से भी पूजी जाती है। माता वृषभ पर विराजमान है। महागौरी की चार भुजाएं हैं। उनकी दाई भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में त्रिशूल है। बाई भुजा में डमरू और नीचे वाली भुजा से देवी गौरी भक्तों को वरदान देने वाली मुद्रा में है। जो स्त्री माँ गौरी की पूजा भक्ति करती हैं, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती हैं। साथ ही अगर कुंवारी लड़की माँ गौरी की पूजा करे तो मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। वहीं अगर पुरुष देवी गौरी की पूजा करे तो उनका जीवन सुखमय रहता है।